गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए मौसम कितना अच्छा है और ठंडा है, क्योंकि हमारे यहाँ कल 2 दिन से बारिश हो रही है और ये बारिश रात में ही होती है। तो ये देख सकते हैं, ये है एलोवेरा जो मैं अपने छत पर लगाई हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा, बहुत प्यारा लग रहा है और धूप नहीं है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए कितना सुहाना है, बहुत अच्छा लगता है देखने में और छत पर आने में। तो ये है हमारे चारों तरफ का नज़ारा, इस तरह से कुछ हमारा दिखता है घर। तो दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं, चूल्हा जला लिया मैंने क्योंकि आज मेरी गैस ख़त्म हो गई है और आज फिर से मैं चूल्हा में खाना बना रही हूँ। और ये देखिए, और इतना नहीं हो पाता है कि मैं दूसरा सिलेंडर पहले से भरवा करके रख लूँ, तो जब गैस ख़त्म होती है तभी बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया चूल्हा में, और ऐसा होता है कि मतलब उतना नहीं हो पाता है, जब जो चीज़ नहीं होती है तभी आती है। तो ये देखिए मैं अभी यहाँ पर दूध उबालने के लिए रख दे रही हूँ, और तब तक मैं लहसुन छील लेती हूँ और यहाँ पर चीनी के डिब्बे और चाय पत्ती लेके आई हूँ। तो चाय बनेगी, ये दूध उबाल के रख लूँगी, थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने कहा उबाल लेती हूँ क्योंकि फ्रिज नहीं है और ये फिर जमने का डर रहता है, और अगर ख़राब हो गया तो फिर का फ़ायदा। इस तरह से मैं पका लेती हूँ पूरा दूध, तो बच्चे खा लेंगे और कुछ दूध की चाय बन जाएगी। तो ये देखिए आकृति वीडियो शूट कर रही थी, तो इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर पक रही है चाय, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने चीनी नहीं सब कुछ डाल दी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पर देखिए अंश जा रहा है कोचिंग, अभी 8 बज चुके हैं। और जो भी मेरे चैनल पे भाई बहन न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छा थोड़ी सी अभी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी किया करिए। तो आ जाइए आप लोग, चाय पी लीजिए, ये देख सकते हैं चाय। और ये है काले चने जो मैं रात में भिगो कर रखी थी, तो इसमें मैंने दाल चढ़ी, दालचीनी की लकड़ी सॉरी, और एक बड़ी इलायची फोड़ करके डाल दी है और नमक। तो इन्हें बॉयल हो गए हैं, इन्हें मैंने 4 सीटी लगा कर बॉयल किया, और ये खड़े मसाले जो थे, और मैंने तेल डाल दिया था तो कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था, तो मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग। तो ये फ्राई हो गए थे, तो मैंने लहसुन और लाल मिर्च प्याज का जो पेस्ट था उसे मैंने डाल के फ्राई किया था। इसके बाद मैंने मसाले डाल के भून लिए हैं, और ये मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो मैंने बनाया है, थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है क्योंकि मैं ऐसी बातें कर रही थी, मम्मी जी बैठी थी उनसे, तो मेरा मन नहीं लग रहा था वीडियो शूट करने, पर मैंने कहा अगर मैं बना रही हूँ तो मैं शेयर करूँगा आप सभी के साथ। तो यहाँ पर जो 2 टमाटर का मैंने पेस्ट था उसे भी डाल करके और नमक डाल के भून लिया। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो इन्होंने कढ़ाई छोड़ दी है, तो अभी मैं इनको उतार लेती हूँ। तो ये देखिए, और ये उतार कर मैं जो चने उबाले थे ना उन्हीं में उसी में डाल करके इन्हें अब 2-3 सीटी लगा दूंगी। और ये चने ना अभी थोड़ी मतलब पक तो गए हैं, लेकिन मैं इसी में और सीटी लगा दूंगी, तो ये थोड़ा मैसी हो जाएंगे, और मैं थोड़ा मैसी मैसी चने अच्छे लगते हैं सब्जी खाने में, क्योंकि खड़े चने हैं तो फिर दाने दाने पता चलते हैं। इस वजह से मैं इसमें 3 सीटी लगाऊंगी और चौथी भर करके रख दूंगी, और नमक मैंने ये सब चीज़ें डालनी है। तो छोले मसाला भी मैंने डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप। और अभी मैं इसमें कुकर का ढक्कन बंद करके इसे मैं 3 सीटी लगाने तक पकाऊंगी फिर से, ताकि ये थोड़ा मैसी हो जाए, और मैसी चने थोड़ा खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर कुकर ये रखा है बंद हुआ, क्योंकि अभी इसमें 1 सीटी भरी रखी है तो ये निकल जाएगी। तब तक मैं रोटियाँ बनाती हूँ, तो मैं हाथ वाली रोटियाँ बना रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और मुझसे ज़्यादा बनती नहीं है, बट मैं बनाती हूँ, जब भी चूल्हा में बनाती हूँ मेरा मन होता है गरम गरम घी में लगा के खाओ, अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये मैं रोटियां बना लेती हूँ फटाक से, और आज मैंने कोई भी सामान हटाया नहीं है क्योंकि सुबह से बारिश होने लगती है तो जाल में फिर पानी गिरने लगता है जाल से, तो इस वजह से मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ बाद में समेट के रखूँगी। तो ये है सब्जी जो मेरे बच्चों ने, हस्बैंड जी ने, सब ने खा ली है, बाकी मुझे खाना है।
तो ये देखिए अभी मैं खाने जा रही हूँ, तो मैं थाली को आपके आपके साथ शेयर कर रही थी कि आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो आकृति कह रही थी मुझे भी तो दिखा दो, तो मैं उसे भी दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और ये लीजिए खाना खा लीजिए आप सभी।